हाय फ्रेंड्स, मैं आपकी गार्डनर दोस्त छबी और मैं आपके लिए आज मेरी गार्डन के रोज़ेस को लेकर वीडियो कर रही हूँ। और ये देखिए, पहले आप मेरे कुछ फ्लावर्स देख लीजिए जो बाई कलर में हैं। ये सारे रोज़ेस देखिए फ्रेंड्स, आज मैं खासकर अपने रोज़ेस को आपको दिखाने के लिए वीडियो कर रही हूँ, क्योंकि फिर ये अगर झड़ जाएंगे तो। ये वाले में देखिए एक और बर्ड आया है, देखिए फ्रेंड्स। ये सब देसी ये वाले देसी रोज़ है और ये बाई कलर में है। और ये ज़्यादातर ये वाले जो रोज़ हैं वो 10 इंच के पॉट पे लगी हुई है, ज़्यादा बड़ा पॉट नहीं है, देख लीजिए। और ये वाले जो हैं ये 12 इंच वाले पॉट में लगे हुए हैं। ये वाली देसी रोज़ है और ये वाले जो है वो आबरा का डाबरा रोज़ है। इसमें देखिए कितनी हैवी ब्लूमिंग में है ये फ्रेंड्स, देखिए इसमें अभी कली भी बन रही है और देखिए नई ग्रोथ भी आ रही है, देखिए फ्रेंड्स देखिए। और ये एक और मेरे है, देखिए फ्रेंड्स कितने बिग साइज़ के फ्लावर है, देख रहे हैं, लेकिन ये अब झड़ भी गए तो अब मैं इसको कट कर दूंगी। देखिए फ्रेंड्स, यही चीज़ है कि अब मैं दिखा रही हूँ कि जैसे ये फ्लावर अब झड़ गए हैं तो इसमें देखिए यहाँ पर से जो है न्यू शूट निकल रही है, ठीक है। लेकिन क्या है कि ये जो है ये थ्री लीव्स वाले जो यहाँ पर देखिए आप, क्या यहाँ पर से थ्री लीव्स वाली जो जगह है उसके नीचे से एक फाइव लीव्स वाली भी निकल रही है, देखिए। तो आप यहाँ से कट कर दीजिएगा इसको, यहाँ से कट कर देंगे तो फिर देखिएगा कि यहाँ से जो है न्यू शूट निकल रही है। देखिए मैं आपको दिखाती हूँ, देखिए फ्रेंड्स यहाँ से न्यू शूट देख रहे हैं, यहीं से न्यू शूट निकलेगी। जब हम इसको कट कर देंगे, इस फ्लावर को कट कर देंगे, तभी यहाँ से न्यू शूट निकलेगी और एक एक टहनी से दो डाल निकलेगी और फिर इस दो डाल से दो अलग अलग कली आएगी। जैसे देखिए इसमें यहाँ से मैंने कट कर दिया था, आपको मैं दिखाती हूँ, देखिए कैमरे में क्लियर नहीं आ रहा, ये देखिए देख रहे हैं फ्रेंड्स, ये देखिए, हाँ ये देखिए, यहाँ पर मैंने एक जगह कट किया है तो यहाँ पर एक दो और यहाँ पर तीन और यहाँ पर देखिए दो और डाल निकल रही, तो एक ही जगह पे मैंने कट किया है और इस पर से देखिए नए शूट किस तरह से निकल रहा है। तो इसी तरह से आपको जैसे ये फ्लावर अब झड़ गए तो अब इसको रखना नहीं है और ना यहाँ से कट करना है, यहाँ से भी नहीं कट करना है। ये जो थ्री लीव्स वाली पत्ती होती है उसके नीचे से आपको कट करना होता है। ये थ्री लीव्स वाली पत्ती से अगर आप यहाँ से कट, देखिए यहाँ भी न्यू शूट निकल रहे हैं, ऐसा नहीं है कि यहाँ पर न्यू शूट नहीं निकल रहे हैं, यहाँ भी न्यू शूट निकल रहे हैं, लेकिन अगर आप यहाँ से कट कीजिएगा तो फ्लावर का साइज इतना बिग नहीं आएगा। अगर आप इसके नीचे से कट कीजिएगा और फिर फाइव लीव्स वाले में से जो डाल निकलेगी वहाँ पर जो फ्लावर आएंगे वो इसी तरह से जो अभी मैंने आपको दिखाया उसी तरह से बिग फ्लावर आएंगे, तो आप उसी तरह से कट कीजिएगा। देखिए यहाँ पर भी कली आ रही है, मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखिए अभी निकली ही है, छोटी सी है, धीरे धीरे ये बड़ी हो जाएगी, ठीक है फ्रेंड्स। देखिए देखिए फ्रेंड्स, ये हमारे इंग्लिश रोज़ हैं, ये आज खिला है, आज का साइज़ देखिए, आज ही खिला ये, आज का साइज़ इतना बड़ा है। और कल फिर दो दिन बाद मैं फिर वीडियो बनाऊंगी, तब आप देखिएगा कि इसका साइज़ कितना बड़ा होता है। और इसमें देखिए अब जैसे देखिए फ्रेंड्स, मैं आपको दिखाती हूँ, आज मैंने इसको कट कर दिया है, देख रहे हैं, आज मैंने सवेरे इसको कट किया है। तो क्या हो रहा है कि जैसे मैंने कट करूँगी यहाँ पर, तो यहाँ पर जो छोटा सा अंकुर की तरह निकला रहता है, स्प्राउट की तरह, वो तुरंत ही बड़ा होना स्टार्ट कर देता है, ठीक है। देखिए हर के नीचे में आपको मिलेगा, देखिए आपको मैं क्लियर करके दिखाती हूँ, देखिए हर के नीचे में आपको निकलेगा। तो उसी तरह से जैसे ये वाला फ्लावर है अभी तो ठीक है, तो बहुत लोग तो इसी स्टेज पर काट देते हैं, तो लेकिन मुझे नहीं मन करता है काटने को, तो मैं जैसे जब झड़ जाता है, जैसे अभी मैंने आपने देखा है कि वो वाला फूल झड़ गया, तब मैं उसको क्या करती हूँ, मैं थ्री लीव्स वाले नीचे से
उसको कट कर देती हूँ। अब मैं आपको दिखाती हूँ कि जैसे मैंने कट किया है, ये देखिए, देखिए यहाँ पर मैंने कट किया है इस जगह पर, और देखिए एक कट करने पर तीन और उसके नीचे से एक और नई डाल निकल रही है। और एक चीज़ मैं आपको इसी में टिप्स बताती हूँ फ्रेंड्स को दिखाते दिखाते, कि कभी भी इस स्टेज पर जो है आप प्लांट के रूट को, प्लांट के सॉइल को ड्राई मत होने दीजिएगा, क्योंकि अगर इस स्टेज पर अगर आपके सॉइल ड्राई हो जाती है तो ये सारे न्यू ग्रोथ जो है वो सूख जाएंगे, ठीक है। और इस स्टेज पर एक और चीज़ क्या है कि आप कभी भी माने जब वाटरिंग कीजिएगा तो प्लांट के सॉइल पे तो कीजिएगा, माने उस पर जड़ पे तो कीजिएगा, लेकिन साथ ही में पूरे प्लांट को अच्छे से नहला दीजिएगा, क्योंकि गुलाब को बारिश बहुत पसंद होती है और इस सीज़न पे तो बारिश नहीं होती है, तो इसको आप अगर फॉलियर स्प्रे या फिर फॉलियर पाइप से अच्छे से वाटरिंग कीजिएगा नहलाकर, तो इस पर कहीं भी कीड़े मकोड़े नहीं लगेंगे, और उसके बाद इसकी जो न्यू ग्रोथ है इसको डायरेक्ट पानी मिलेगी। सॉइल से इन तक पानी पहुंचने का थोड़ा टाइम ज़्यादा लगता है, और अगर आप डायरेक्ट पानी नहला कर देते हो तो उसमें क्या होता है कि आपके प्लांट में जो है आपके इन न्यू ग्रोथ में जो है पानी डायरेक्ट मिलता है। लेकिन क्या ठंडा के दिन में, अभी जैसे मौसम है यहाँ पर मुजफ्फरपुर बिहार में, यहाँ पर ठंडा अच्छा ही पड़ने लगा है अभी, तो अभी जो है शाम को आप वाटरिंग बिल्कुल भी ना करें। पानी जो आप देंगे वो दिन में दे, जब धूप रहती है, थोड़ा बहुत भी धूप रहता है तब दें, क्योंकि अगर इसमें इस फ्लावर में या फिर इस तरह की कलियों में अगर पानी जम जाएगा तो वो उसमें तुरंत फंगस या कीड़े होने शुरू हो जाएंगे। देखिए मेरे प्लांट में कहीं भी आपको थोड़ा भी कीड़ा वगैरह नहीं नज़र आएगा, क्योंकि मैं 10 दिन पर इसमें इंसेक्टिसाइड का स्प्रे करती रहती हूँ, और मैं जब भी पानी देती हूँ 2 दिन पर पानी देती हूँ तो बढ़िया से पूरा बढ़िया से नहला देती हूँ। और ये सारे प्लांट ग्रो बैग में लगे हुए हैं, तो इनको जो है मैं एक बार में बहुत अच्छे से वाटरिंग कर देती हूँ, और उसके बाद जो है मैं इसको एक दिन छोड़ देती हूँ, कल मैं अब पानी देने की ज़रूरत नहीं है। ओवर वाटरिंग भी बिल्कुल भी ना करें इस टाइम में, यही चीज़ ज़रूरी है कि ओवर वाटरिंग भी ना हो और लेस वाटरिंग भी ना हो, तो इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा। और देखिए मेरे ये वाले तो देसी रोज़ेज़ हैं, ये वाले हाइब्रिड वाले रोज़ेज़ हैं, ये सारे देसी रोज़ेज़ हैं, कितनी अच्छी ब्लूमिंग हो रही है देखिए फ्रेंड्स, देखिए कलियाँ भी भर के बन रही हैं, ठीक है। और इसमें स्मेल बहुत बढ़िया आता है, मुझे बहुत पसंद है। और ये वाले तो नई रिपोर्टिंग मैंने की है, देखिए रिपोर्टिंग के बाद का अपडेट भी देख लीजिए इसी में, कि कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुई है, यहाँ तक कि न्यू ग्रोथ भी शुरू हो गई। लेकिन एक चीज़ और मैं बताती हूँ इसमें, कि इसमें देखिए अब नीचे से यहाँ पर से जहाँ पर ग्राफ्टेड एरिया है उसके नीचे से इस तरह से निकल जाता है, तो इसको जो है आप इस तरह से हटाते रहिए, क्योंकि ये जो होता है ये जंगली गुलाब पे ही ना ग्राफ्टिंग की जाती है, तो ये जंगली गुलाब के ही निकल जाते हैं इस तरह से, तो इसको अगर आप छोड़ दीजिएगा तो ये जो मेन रोज़ है, जो ग्राफ्टेड रोज़ है जो आपने कलर बाई किया है वो ख़त्म हो जाएगा, और ये वाला जो जंगली वाला है वो बढ़ने लगेगा, और इसमें फ्लावरिंग नहीं होती है फ्रेंड, ये ऐसे ही बढ़ती रहेगी। और यहाँ से जो आपने इसको तोड़ा है, यहाँ पर जो आपने तोड़ा है वहाँ पर क्या कीजिएगा, साफ फंगीसाइड बोल के आता है उसका एक थिक पेस्ट बना लीजिएगा, मैं आपको दिखाती हूँ कैसे। देखिए इस तरह से मैंने साफ का एक थिक पेस्ट बना लिया है, और इस पेस्ट को जो है हम इस पर इसके इस जगह पे जहाँ पर मैंने इसको कट किया है उस वहाँ पे इसको अच्छे से लगा दूँगी, तब यहाँ से पे जो है कोई फंगस वगैरह नहीं होगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये हो गया इसको भी, ये भी मेरा नया वाला रिपोर्टिंग है, देखिए फ्रेंड्स कितनी अच्छी ग्रोथ हो रही है। तो यही है, ठीक है फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो, अगर आपको मेरे से कुछ भी अच्छा इन्फॉर्मेशन अच्छा मिलता हो तो आप मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, मेरी शेयर कीजिएगा, और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा फ्रेंड्स। और कोई भी इंक्वायरी हो तो आप कमेंट बॉक्स पर ज़रूर पूछिएगा, और इसके बाद मैं जो है आपको बताऊँगी कि मैं इन रोज़ेस पर सॉइल पर क्या खाद देती हूँ, ठीक है फ्रेंड्स। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा फ्रेंड्स, बाय।